फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो उसमें कई बड़े डिसीजन लिए गए थे रोज़गार के साथ साथ एजुकेशन के भी। और उसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज आई थी, वो ये थी कि उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तय समय पर ही होंगे, ऐसा फिलहाल कैबिनेट में भी डिसाइड हुआ है। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर लीजिए, क्योंकि सरकार को आपकी स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड बोर्ड के लेकिन उन्होंने अपनी कोई जवाबदेही ना बने, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग में ये तय हुआ है कि अगर किसी भी छात्र का तापमान सामान्य से भी ज़्यादा होगा तो उसे अलग कक्षा में बैठाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका सामान से भी अधिक तापमान होगा तो आपको औरों से अलग कर दिया जाएगा। ये कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के दिन केंद्र के दौरान आपकी सारी थर्मल स्कैनिंग होगी। क्या क्या उसमें SOPs हैं उसके बारे में हमने डिटेल में अलग वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपने साथ, मास्क, थर्मल स्कैनिंग वगैरह और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो मेन चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पर बोर्ड का कहना है कि बोर्ड सचिव ने ये चीज़ बयान के थ्रू दिया है कि अगर जिन बच्चों का तापमान सामान्य से ज़्यादा होगा उन्हें अलग कक्षा में बैठाया जाएगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम उसी दिन ही होगा, क्योंकि ऐसे भी उत्तराखंड के बोर्ड के एग्ज़ाम को 4 दिन के अंदर ख़त्म करना है और उसके बाद रिजल्ट की घोषणा करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा एक जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, इसलिए ऐसे जोन में परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, पता नहीं कब की जाएगी, ऐसा कहना है शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम का। इसके अलावा सारे डिस्टेंस का भी पालन होगा और आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस को भी वहां पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर परीक्षार्थियों को खांसी जुखाम होने की अगर स्थिति आती है, स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको सूचना तुरंत कक्षा निरीक्षक को देनी होगी। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की भी मशीन खरीदने और सारी चीज़ों के संबंधित बजट ऑलरेडी के बोर्ड ने उस स्कूलों को स्वीकृति दे दी है। तो आप अगर तैयारी नहीं की है तो भाई साहब कर लीजिए, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हों चाहे 12th के स्टूडेंट हों, बोर्ड के एग्ज़ाम फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको मेरा इंस्टा और ट्विटर का हैंडल मिल जाएगा, मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो कैसे लगी वीडियो यार, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बाकी तो आप खुद ही जानते हो। लेकिन बस यही कहूँगा आपसे कि तैयारी आप अपनी बनाए रखो, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले देना।